हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माइग्नेट ब्रेन दिस इज स्वाति योर स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल सो आज हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो ये वीडियो है इसमें हम एक बहुत ही ब्यूटिफुल स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं द नेम ऑफ द स्टोरी इज द लास्ट लीफ रिटन बाय ओ हेनरी अब ऑब्वियसली मुझे थोड़ा लेवल तो रेस करना पड़ेगा राइट सो दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी एंड इट इज गोइंग टू टीच यू समथिंग वैल्यूएबल हमें मैग्नेट ड्रींस के प्लेटफॉर्म पे जहाँ किडर गार्डन से लेके क्लास ट्वेल्व तक आपको हर सब्जेक्ट का पूरा पूरा कंटेंट मिलता है एब्सोल्युटली फ्री इसका मतलब है यहाँ पे आपको वन और टू चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करना पड़ता एंड द सेम थिंग गोज फॉर स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो पूरा कोर्स आपके लिए एकदम फ्री है अब यहाँ जो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हम स्टार्ट करने वाले हैं सो so, आपको पता है कि इसमें मैं स्टोरी रीड करूंगी आप मेरे साथ रीड करोगे मतलब यहाँ पे हम लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स एक साथ देख रहे हैं प्लस वो भी इनहस हो जाएगी क्योंकि कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होगा मैं आपको उसका प्रॉपर मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी सो रिमेंबर दिस थिंग यू हैव टू गो स्लो यू हैव टू रीड इट विथ मी यहाँ पे आप मान के चलो आधा घंटा आप रीडिंग के लिए दे रहे हो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है स्टार्ट करें

Two young women named Sue and John C. shared a studio apartment at the top of a three-story building. Two young women, do jo thi, matlab do ladkiyan named Sue and John C. जिनका नाम था स्यू जॉन सी शेयर्ड स्टूडियो अपार्टमेंट वो दोनों एक अपार्टमेंट में रहते थे स्टूडियो अपार्टमेंट वो होता है जिसमें एक ही रूम होता है ठीक है एट द टॉप ऑफ अ थ्री स्टोरी बिल्डिंग सो एक तीन मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें सबसे ऊपर ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट था जॉन्सी रियल नेम वॉज ज्वाना जॉन्सी का जो रियल नेम था वो क्या था जोना सो so, आर्टिस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ अ पर्सन हु क्रिएट्स पेंटिंग्स और ड्राइंग्स एज अ प्रोफेशन और हॉबी आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है अ डांसर इज एन आर्टिस्ट अ राइटर इज एन आर्टिस्ट क्योंकि वो कोई एक आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं मेजरली हम इसको पेंटर्स के लिए यूज़ करते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट आई हैव टोल्ड यू एन अपार्टमेंट कंटेनिंग वन मेन रूम इन November, a कोल्ड अनसीन स्ट्रेंजर केम टू विजिट द सिटी इन November, क्योंकि मंथ है मंथ के आगे हम हमेशा यूज़ करते हैं इन सो so, November में एक बहुत ठंडा कोल्ड unseen स्ट्रेंजर एक unseen जिसे कभी नहीं देखा गया था ऐसा अजनबी जो था वो उस सिटी में आया कौन था वो दिस डिजीज़ निमोनिया किल्ड मैनी पीपल ये स्ट्रेंजर कौन था यह अजनबी कौन था ये एक डिशीज़ थी ये डिसीज़ का नाम क्या था निमोनिया बेसिकली वहाँ पर उस सिटी में निमोनिया फैल गया था जिसने काफ़ी सारे लोगों की जान ले ली थी जॉन सी ले ऑन हर बेड हार्डली मूविंग जोसी को निमोनिया हो गया था वो अपने बेड पे लेटी हुई थी वो मूव भी नहीं कर रही थी शी लुक थ्रू द स्मॉल एक छोटी सी विंडो थी उससे वो बाहर देख रही थी शी of ऑफ द house हाउस नेक्स्ट टू building. सो so, उस विंडो से उसे क्या दिख रहा था क्या नजर आ रहा था उसकी बिल्डिंग के साइड में एक ब्रिक हाउस था ईंटों का एक घर था वही वो देख पा रही थी सो so, स्ट्रेंचर का मतलब अजनबी अ पर्सन होम वन डज नॉट नो और विथ होम वन इज नॉट फमीलियर मतलब एक ऐसा इंसान जिसको आप जानते नहीं हो जिससे आपकी ज़्यादा बात बात नहीं होती है वन मॉर्निंग अ डॉक्टर एग्जामिन जॉन्सी एंड टुक हर टेम्परेचर देन ही स्पोक विथ सी इन अनदर रूम एक दिन सुबह फाइनली डॉक्टर को बुलाया गया डॉक्टर आए उन्होंने जॉन्सी को एग्जामिन किया मतलब उसका प्रॉपर टेस्ट किया उसको चेक किया एंड देन उसका टेम्परेचर चेक किया और फिर दूसरे रूम में सीऊ को लेके गए जो उसकी फ्रेंड थी जिसके साथ वो स्टूडियो अपार्टमेंट में रहा करती थी और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर उससे बात करी शी हैज़ वन चांस इन लेटेस्ट टेन से टेन डॉक्टर ने कहा उसके दस में से बचने के सिर्फ एक चांस है शी हैज़ वन चांस इन लेटे से टेन मतलब दस में से उसके पास सिर्फ एक ही चांस है एंड दैट चांस इज़ फॉर हर टू वॉन्ट टू लिव और ये एक परसेंट चांस जो उसके पास है ये सिर्फ तब है जब उसके अंदर जीने की उम्मीद हो उसके अंदर जीने की चाह हो इफ़ शी वुड वॉन्ट टू लिव अगर उसने गिव अप कर दिया देन आई विल नॉट बी एबल टू सेव ह लेकिन अगर उसने गिव अप नहीं किया दैन उसके वन परसेंट चांसेस हैं योर फ्रेंड हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल तुम्हारी फ्रेंड ने अपना जो मतलब माइंड है वो मेड अप कर लिया है अप का मतलब क्या उसने अपना मन बना लिया है उसने ये सोच लिया है उसने ये मान लिया है कि अब उसकी तबीयत कभी सही नहीं हो सकती हैश शी एनी थिंग ऑन हर माइंड फिर डॉक्टर ने पूछा क्या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उसे परेशान कर दिए नाउ लिसन टू दिस हैश शी एनी थिंग ऑन हर माइंड अब अगर किसी से आपको पूछना है क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है डू यू हैव एनी थिंग ऑन योर माइंड अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी इजी सेंटेंस आप ये सेंटेंस लिख सकते हो नेक्स्ट एग्जामिन का मतलब क्या होता है इंस्पेक्ट करना थरोली ये उसकी कंडीशन जानने के लिए शी वॉन्टेड टू पे द बे ऑफ नीपल्स इन इटली सम डे सेट सी उसने कहा उसके दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता वो किसी दिन इटली जाके वहाँ पे जाके बे ऑफ नीपल्स को पेंट करना चाहती थी पेंट सेट द डॉक्टर बॉश हैज शी एनी थिंग ऑन हर माइंड वर्थ थिंकिंग च्वाइस अ मैन फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने बोला पेंट करना था फिर उसने बोला ये तो नहीं है लेकिन ऐसा कुछ है उसके दिमाग में जो चल रहा हो जो उसको वाकई परेशान कर रहा हो जैसे हो सकता है वो किसी आदमी के बारे में सोच रही हो अ मैन सेट्स यू इज़ अ मैन वर्थ बट नो डॉक्टर देर इज़ नथिंग ऑफ़ द kind. उसने बोला किसी आदमी मतलब ही वॉज बेसिकली आस्किंग कि ऐसा तो नहीं उसका ब्रेकअप हुआ है उसका कोई बॉयफ्रेंड है सो so उसने बोला अब मैन इज इवन वर्थ मतलब किसी के लिए इतना परेशान होना लेकिन उसने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है शी मतलब देर इज़ नथिंग लाइक दैट ऑन हर माइंड उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है बे का मतलब क्या होता है अब्रॉड इनलेट ऑफ दी वे लैंड कर्व्स इनवर्ड्स मतलब जहां पे एक इनलेट होता है सी का जहां पे इस तरीके से जो है लैंड पूरा रहता है यहाँ पूरा सी रहता है उसको बे कहते हैं वर्थ का मतलब होता है इक्वेलेंट इन वैल्यू टू द समल आइटम स्पेसिफाइड लाइक आई एम वर्थ लॉट मतलब मैं जो हूँ काफी कीमती हूँ वर्थ मतलब किसी चीज की वैल्यू आई विल डू ऑल दैट साइंस कैन डू अब फाइनली डॉक्टर ने कहा जितना साइंस कर सकता है मतलब मेडिसिन जितना कर सकती है मैं उतना करूँगा बट वेन एवर माई पेशेंट बिगिनस टू काउंट द कैरिएस एट अ फ्यूनरल लेकिन जब मेरे जो स्टूडें मतलब मेरे जो पेशेंट्स होते हैं जब वो जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं ना लिसन टू दिस वेन एवर माई पेशेंट बिगिनस टू काउंट द कैरिएज एट अ फ्यूनरल कैरेजिस एट अ फ्यूनरल मतलब जब लोग अर्थियों को गिनने लग जाते हैं जब लोग अर्थियों को गिरने लग जाते हैं इसका मतलब है जब लोगों को ये लगता है कि बस अब वो कभी सही नहीं हो सकते वो जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं पूरा गिवअप कर देते हैं आई टेक अवे फिफ्टी परसेंट फ्रॉम द क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन तो जैसे ही आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मुझे ठीक होना है मुझे सही होना है लेकिन अगर आपके अंदर वो पावर नहीं है तो क्या होता है इट मेरी जो मेडिसिन है उसका जो क्यूरेटिव पावर है मतलब उसका आपको सही करने का जो पार है वो फिफ्टी परसेंट वहीं ख़त्म हो जाता है सो बेसिकली मेडिसिन तो एक्ट करती हैं लेकिन उसके साथ यू शुड द विल पावर सो so, कैरेज़ का मतलब क्या होता है कैरी करना तो जैसे सिर्फ पैसेंजर्स को नहीं यहाँ जो हम बात कर रहे हैं यहाँ हम बात कर रहे हैं डेड बॉडीज़ को कैरी करने वाला फ्यूनरल का मतलब होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो एक सर्विस रखी जाती है एक सेरेमनी रखी जाती है जहाँ नो क्रिमेशन होता है बरी बेरी करते हैं और उसके बारे में लोग अपने थाट्स एक्सप्रेस करते हैं क्यूरेटिव मतलब होता है डिसीज़ को क्योर करने की एबिलिटी आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन अब डॉक्टर ने सी से ये बोला कि देखो मैं तो करूँगा अपनी तरफ से पूरी कोशिश लेकिन उसके अंदर जीने की उम्मीद होनी चाहिए आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन जब डॉक्टर चले गए थे उसके बाद सी वेंट इन टू द वर्क रूम एंड क्राइड सी जो जॉन्सी की बेस्ट फ्रेंड थी वो अपने वर्क रूम में गई क्योंकि वो लोग वहाँ पे आर्टिस्ट थे वो सब तो वहाँ पे वो गई अपने वर्क रूम में और शी क्राइड अलॉट देन शी वेंट टू जॉन्सी रूम विथ हर ड्राॅइंग बोर्ड रैक टाइम उसके बाद वो जॉन्सी के जॉन्सी के रूम में गई और अपने आ, किसको लेके गई थी ड्राइंग बोर्ड जहाँ पे उसको स्केच करना था और बहुत ही कैजुअली गई एकदम सीटी बजाते हुए नॉर्मली वेस्टलिंग का मतलब क्या होता है सीटी बजाना रैक टाइम मतलब अ काइंड ऑफ म्यूजिक बाय ब्लैक अमेरिकन म्यूजिशियंस इन द म्यूजिशियन एंड प्लेड स्पेशली ऑन द पियानो सो रैक टाइम एक टाइप का म्यूजिक है जो ब्लैक म्यूजिशियन ब्लैक अमेरिकन म्यूजिशिय बजाया करते थे एटीन नाइन्टीज में जो कि स्पेशली पियानो पे चलाया जाता था तो वो सीटी बजाते हुए जॉन्सी के रूम में एंटर किया उसने जॉन्सी ले ही. विद अ फेस टूवर द वंडो जॉन्सी वहाँ पर लेटी हुई थी और उसका जो चेहरा था वो विंडो की तरफ था मतलब वो विंडो से बाहर देख रही थी सी ओ स्टॉप डू विंग थिंकिंग शी वॉज अ स्लीप सी ने एकदम सीटी बजाना बंद कर दिया उसको लगा शायद जॉन्सी सो रही है शी बिगेन मेकिंग अ पेन एंड इंक ड्रॉइंग फॉर अ स्टोरी इन अ मैगजीन अब उसने क्या किया उसको एक पेन और एक ink की water bottle, इंक की वॉटर बॉटल इंक का जो बॉटल होता है उसका एक इमेज उसको बनाना था क्योंकि उसको किसी मैगजीन के लिए देना था यंग आर्टिस्ट मस्ट वर्क देअ वे टू आर्ट बाई मेकिंग पिक्चर्स फॉर मैगजीन स्टोरीज अब यंग आर्टिस्ट मतलब जो भी छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं जैसे ये दोनों थे इनको जो है ऐसे काम करने पड़ते हैं ताकि ये अपना नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकें सू हर्ड अ लो साउंड सेवरल टाइम्स रिपीटेड सीओ को अब कोई आवाज़ आ रही थी और वो बार बार रिपीट हो रही थी जैसे कुछ कोई बोल रहा है शी वेंट क्विकली टू द बेड साइड वो तुरंत जॉन्सी जहाँ लेटी हुई थी उस बेड के साइड में चली गई ले का मतलब क्या होता है लेटे रहना जॉन्सीज आइज वो ओपन वाइड जॉन्सी सो नहीं रही थी उसकी आंखें तो पूरी खुली हुई थी शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो एंड काउंटिंग काउंटिंग बैकवर्ड वो विंडो के बाहर देख रही थी और काउंट कर रही थी मतलब गिनती गिन रही थी लेकिन वो उल्टी गिनती गिन रही थी बैकवर्ड मतलब उल्टी गिनती गिनना ट्वेल्व शी सेड एंड एंड अ लिटल लेटर इलेवन एंड देन टेन एंड नाइन एंड देन एट एंड सेवन ऑलमोस्ट टुगेदर तो अब वो उल्टी गिनती गिन रही थी उसने बोला सबसे पहले बोला ट्वेल्व फिर थोड़ी देर बाद बोला इलेवन उसके बाद उसने कहा टेन फिर नाइन एट सेवन ये उसने ऑलमोस्ट टुगेदर बोला सो so, अब यहाँ पे सी लुकड आउट दंडो सी विंडो के बाहर देखा कि ये क्या काउंट कर रही है वट वॉज देयर टू काउंट उसको नहीं समझ में आया कि क्या है बाहर काउंट करने के लिए देर वॉज ओनली एन एम टी यार्ड एंड द ब्लैंक साइड ऑफ द हाउस सेवन मीटर्स अवे वहाँ कुछ नहीं था वहाँ बस एक एम टी यार्ड था मतलब एक एम टी स्पेस था और दूर में जो है बाकी के घर थे एंड ओल्ड एंड ओल्ड आई वी वाइन गोइंग बैड एट द रूट क्लाइंब्ड हाफ वे अप द वॉल एक ओल्ड आई वी वाइन था आई वी का मतलब क्या होता है वुडन एवरग्रीन यूरेशन क्लाइंबिंग प्लान्ट जिसमें ना बहुत शाइनी डार्क ग्रीन कलर की पॉइंटेड लीव्स होती हैं सो एक और ये जो होती है क्लाइंबर होता है मतलब वाइन होती है जब बेल होती है ये तो एक ओल्ड आई वी वाइन थी जो कि रूट से ख़राब हो रही थी और वो ऊपर वॉल के आधे पोर्शन तक चढ़ गई थी द कोल्ड ब्रेथ ऑफ ऑटम हैट्स टू कैन लीव्स फ्रॉम द प्लांट अब ठंड में होता है पतझड़ होती है मतलब जो लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं तो यहाँ पर क्या हुआ जो ऑटम की जो एकदम ठंडी ठंडी जो हवा चल रही थी उसकी वजह से जो लीव्स थी ये गिर रही थी ठीक है लीवस लीव्स फ्राम द प्लांट ऑनटेट्स ब्रांचेज ऑलमोस्ट बेयर हंग ऑन द ब्रेग्स Until its branches. मतलब अब उसमें से एक एक पत्ती झड़ती जा रही थी और उसकी जो ब्रांचेस थी वो ऑलमोस्ट बैद हो गई थी मतलब ऐसा था था उसमें अब एक बिलीफ नहीं है हंग ऑन दब यहाँ पे आईवी का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ स्ट्रिकन का मतलब क्या होता है सीरियसली अफेक्टेड बाय अनडिजायरेबल कंडीशन और अनप्लेजेंट फीलिंग स्ट्रिकन मतलब क्या होता है जैसे आपके अंदर बहुत दुख है बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट से फीलिंग है तो वो आपके चेहरे पर दिखेगा तो आप बोलोगे स्ट्रिकन नेक्स्ट इज ब्रांचेस आपको पता है बैर का मतलब होता है एकदम खाली जिसमें कुछ एडिशन नहीं किया गया हुआ बेसिक और सिंपल और हंग का मतलब होता है हैंग करना हैविंग नो पॉलिटिकल पार्टी विद इन ओवरऑल मेजोरिटीज़ इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा हंग मतलब हैंग करना सो so, स्यू ने देखा कि जॉन कुछ काउंट कर रही है बाहर तो सिर्फ एक आईवी का जो है क्लाइंबर है और तो कुछ था नहीं तो ये क्या काउंट कर रही है उसने पूछा वॉट इज इट डियर मतलब क्या हुआ तुमको सिक्स सर जॉन्सी कोटली उसने चुपचाप बोला सिक्स दे आर फॉलिंग फास्ट अव अब ये जो पत्तियाँ हैं ये जल्दी गिर रही हैं थ्री डेज अगो दे व ऑलमोस्ट अंड्रेड तीन दिन पहले ऑलमोस्ट हंड्रेड लीव्स थी इट मेड माई हेड हर्ट टू काउंट देम और जब मैं उन्हें काउंट करती थी तो मेरा सर दुखने लग जाता था बट नाउ इट्स ईजी लेकिन अब देखो कितना आसान हो गया सिर्फ सिक्स लीव्स बची हुई हैं देर गोज एन आन देर आर ओनली फाइव लेफ्ट नाव अब देखो एक और पत्ती गिर गई अब सिर्फ फाइव लीव्स बची हुई हैं पेड़ पर फाइव वॉट डेयर्स अब सी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही है उसने पूछा क्या फाइव लीव्स ऑन द प्लांट वन द लास्ट वन फॉल्स आई मस्ट गो टू उसने बोला ये जो प्लांट में जो लीव्स है ना वो गिरती जा रही है अब इस प्लांट में सिर्फ फाइव लीव्स बची है और जैसे ही आखिरी लीव गिर जाएगी तो उसके साथ साथ मैं भी मर जाऊँगी जैसे ये लास्ट लीव गिरेगी उसके साथ मैं भी मर जाऊंगी तुम्हें डॉक्टर ने बताया नहीं ओह oh, आई ने थिंग सेट सिय मैंने ऐसी stupid बात कभी नहीं सुनी है वॉट हैव ओल्ड आई वी लीव टू डू विद योर गेटिंग वेल्ड वो पुरानी ओल्ड आई वी लीव है उनका तुम्हारे ठीक होने का कोई मतलब ही नहीं है एंड यू यूज टू लव दाइन और तुम्हें वो वाइन कितना पसंद था डोंट बी सिली वाई द डॉक्टर अब उन्होंने क्या बोला यहाँ पे उसने बोला कि तुम पागल हो गया कुछ भी सोच रही हो वाई तुम्हें पता है क्यों सोच रही हो आज ही सुबह डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम्हारे जो ठीक होने के चांसेस हैं डॉक्टर ने क्या कहा था वन ऑन टेन इसने क्या कहा टेन टू वन मतलब टेंट एक में तुम्हारे दस चांसेस हैं बहुत अच्छे चांसेस हैं तुम्हारे ठीक होने के ट्राई टू ईट सम सूप ना उसने बोला अब थोड़ा सूप खा लो अब सूप ईट क्यों बोला है बिकॉज शी वॉज ईटिंग इट विद अ मतलब शी वॉज हैविंग इट विद अ स्पून एंड लेट मी गो बैक टू माई ड्रॉइंग और मुझे काम है मुझे ड्रॉइंग करना है तो मैं वो करती हूँ तुम चुपचाप अपना सूप पीओ सो आई कैन सेलेक्ट टू द मैगजीन एंड बाई फूड एंड वाइन फॉर अस और ये मेरे लिए कम्प्लीट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी को जाके मैं मैगजीन को बेचूंगी और फिर वहाँ से हमें जो पैसे मिलेंगे उससे मैं खाना और वाइन ले कर आ जाऊँगी सिली का मतलब एकदम कोई स्टूपड एबसर्ड फुलिश बात करना यू नीड नॉट गेट एनी मोर वाइन सेट जॉन्सी कीपिंग हर आइस फिक्सड आउट द वडो जॉन्सी अभी भी रूम के बाहर ही देख रही थी विंडो के बाहर ही देख रही थी उसने कहा तुम्हें वाइन लाने की ज़रूरत नहीं है देयर गोज अना दन देखो एक और पत्ती गिर गई अब सिर्फ फोर लीव्स बची है नो आई डोंट वॉन्ट एनी सूप उसने कहा मुझे कोई सूप नहीं चाहिए देट लीव्स जस्ट फोर सिर्फ फोर लीव्स बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क मुझे देखना है वो आखिरी जो पत्ती है ना उसको गिरते हुए देखना है मुझे देन आई विल गो टू उसके बाद मैं भी मर जाऊंगी John C. Dear, will you promise me to keep your eyes closed and not look out of the window until I am done working? फिर सीयू ने उससे कहा एकदम रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि प्लीज जॉन्सी तुम खिड़की के बाहर मत देखो मुझे ये पेंटिंग कंप्लीट करनी है स्केच कंप्लीट करनी है जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी टेल मी एज सोन एज यू हैव फिनिश दैट जॉन सी क्लोजिंग हर आईज एंड लाइंग वाइट एंड स्टिल एज अ फॉलन स्टैच्यू जॉनसी ने कहा ठीक है जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तुम मुझे बता देना और उसने अपनी आँखें बंद कर ली एंड लाइंग वाइट एंड स्टिल एज अ फॉलन स्टैचू और वो चुपचाप लेट गई ऐसा लग रहा था कि वो एक मूर्ति की तरह दिख रही थी एकदम गिरी हुई आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल आई एम टायर्ड ऑफ़ वेटिंग उसने कहा हाँ जैसे तुम्हारा काम हो जाए मुझे बता देना मुझे उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना है आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग मैं थक चुकी हूँ वेट कर कर के आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग मैं सोच सोच के थक चुकी हूँ आई वॉन्ट टू टर्न लूज माई होल्ड ऑन एवरी थिंग मैं बस हम सब कुछ जो है ना लूजली छोड़ देना चाहती हूँ एंड गो सेलिंग डाउन डाउन जस्ट लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स और जैसे वो जो पत्तियाँ हैं जब वो पेड़ से है ना गिरती हैं तो लहराते हुए वो ज़मीन पर फाइनली गिर जाती हैं मैं भी वैसे ही जो है सेल करते करते जो है मर जाना चाहती हूँ लाइन का मतलब फॉल्स होल्ड फॉलन का मतलब कोई गलती करना एंड सेलिंग का मतलब क्या होता है जैसे शिप सेल होती है ट्राई टू स्लीप सेट्स यू उसने कहा ये सब मत सोचो बस सो जाओ आई मस्ट कॉल मिस्टर बहमेन आप टू बी माई मॉडल फॉर माई ड्राॅइंग ऑफ एन ओल्ड माइनर उसने बोला तुम सो जाओ मैं मिस्टर बहरमेन को बुलाने जा रही हूँ ताकि मुझे एक ओल्ड माइनर की फोटो क्रिएट करनी है मतलब जैसे जो माइनिंग करते हैं ना तो मुझे एक आदमी की स्केच बनानी है तो मैं उन्हें बोलूँगी आप मेरे रोल मॉडल बन जाना मतलब आपको देख देख के मैं आपकी पिक्चर क्रिएट कर लूँगी डोंट ट्राई टू मूव वन टिल आई कम बैक और जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ ना तुम प्लीज़ मूव मत करना Old Behrman was a painter who lived on the ground floor of the apartment building. Behrman was a failure in art. Old Behrman जो थे वो एक painter थे जो कि ground floor में रहते थे उसी building के He was a failure in art. वो art में एक असफल इंसान थे

he earned a little money by serving as a model to artists who could not pay for a professional model अब वो क्या करते थे जो young आर्टिस्ट होते थे ना उनके लिए एक model का काम करते थे क्योंकि उनके पास जो लोग उनसे थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उससे वो अपनी जीविका चला रहे थे अब उनके पास और ये कौन लोग थे जो इन्हें hire करते थे जिनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि ये किसी professional model को hire कर सकें He was a fierce little old man who protected the two young women in the studio apartment above him. वो जो था वो एक फ्यूर्स मतलब जो किसी से नहीं डरता था छोटा सा ओल्ड मैन था जो इन दोनों लड़कियों का बहुत ख्याल रखता था सीव फाउंड बेयरमैन इन एस रूम जब सी घर गई उनके उनको बुलाने के लिए तो उन्होंने देखा बेरमैन वहीं थे अपने रूम में इन वन एरिया वॉज अ ब्लैंक कैनवस दैट हैड बिन वेटिंग ट्वेंटी फाइव ईयर्स फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ पेंट उनके घर में एक जगह एक कैनवस रखा हुआ था जो पिछले पच्चीस साल से वेट करा था कि किसी दिन उस पर पे पेंट होगा लेकिन अभी तक उस पर पे पेंट स्टार्ट नहीं हुआ

Feared का मतलब होता है घबरा जाना डरना किसी चीज से और फ्लोट का मतलब होता है तैरना या मूव करना स्टेडीली ओल्ड बेरमैन वॉज एट सच एन आइडिया ओल्ड बेयरमैन जो था जैसे उसको पता चला जॉन सी ये सोच रही है तो वो बहुत गुस्सा हो गए आर दे पीपल इन द वर्ल्ड विद द फुलिशनेस टू डाई बिकॉज लीव ड्रॉप ऑफ ऑफ वाइन ऐसे कौन से लोग होते हैं दुनिया में जो इतने बेवकूफ होते हैं जिन्हें लगता है कि बस पेड़ से पत्ते गिर गई तो उसके साथ उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी वाइट यू लेट दैटीज़नेस कम इन अन तुमने उनसे अलाव भी कैसे किया कि ऐसी स्टूपट बात वो अपने ब्रेन में ले कर आए शी इज़ वेरी सिकेंड वीक सेट दूस्यू ने कहा वो बहुत ज़्यादा बीमार है वो बहुत ज़्यादा वीक है एंड द डिस हैज़ लेफ्ट माइंड फुल ऑफ स्ट्रेंज आइडियाज़ और ये जो डिसीज़ है उसके कारण उसके दिमाग में जो है न एकदम अलग अलग आइडियाज़ आ रहे हैं स्ट्रेंज आइडियाज आ रहे हैं फुलिशनेस का मतलब बेवकूफ़ी दिस इज़ नॉट एनी प्लेस इन विच वन सो गुड एज मिस जॉन्सी शेल लाई सिख उसने बोला ये कोई बात नहीं मिस जॉन्सी कितनी अच्छी औरतें कितनी अच्छी लड़की हैं उनको इस तरीके से बीमार नहीं पड़ना चाहिए यल बेहमन वो चिल्लाने लग गए सम डे आई विल पेंट मास्टर पीस एंड वी शेल ऑल गो अवे किसी दिन मैं भी अपनी मास्टर पीस को पेंट करूँगा और फिर हम सब मर जाएंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज ही जाके मर जाए जॉन्सी वॉज स्लीपिंग वेन द वेंट अपस्टेय सीव पुल्ड द शेड डाउन टू कवर द विंडो जॉन्सी व स्लीपिंग जॉन्सी सो रही थी वेंट देंट अपस्टेयर्स जब सी और मिस्टर बेमेन ऊपर गई सी पुल्ड द शेड डाउन टू कवर दंडो सो सी ने क्या किया जो पर्दा लगा हुआ था उसको नीचे कर दिया ताकि विंडो कवर हो जाए शी एंड बेमेन वेंट इन टू दर रूम अब वो दोनों मिलकर दूसरे रूम में गए They looked out a window fearfully at the ivy vine. They looked out of the window. उन्होंने विंडो के बाहर देखा बहुत डरते हुए देखा क्योंकि उन्हें मालूम था इस वक्त जॉन्सी जिस मतलब स्टेट में है उसको लग रहा है कि जैसी लीफ फॉल होगी वैसे ही वो मर जाएगी तो उनको लग रहा था उनके पास कितना टाइम है उन्हें डर लग रहा था Then they looked at each other without speaking फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा उन्होंने कुछ नहीं कहा अ कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग मिक्सड विद स्नो बहुत जोर मतलब बारिश हो रही थी और बहुत ठंडी मतलब जो है स्नो भी हो रहा था और बारिश हो रही थी तो इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड बेरमेन सेट एंड पोज एज अ माइनर बैरमेन बैठे और एक माइनर की तरह उन्होंने पोस्ट किया जिसके लिए सी उनको बुला के लेके आई थी शेड का मतलब क्या होता है कंपेयर डार्कनेस एंड कूलनेस कॉज बाय शेल्टर फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट तो जैसे पर्दा लगा दो तो शेड हो जाता है उसको पोस्ट का मतलब होता है प्रेजेंट और कॉन्स्टिट्यूट कि पोस्ट करना ठीक है मतलब पोस्ट करने का मतलब क्या होता है जैसे कि आप किसी को कोई आपकी आ, फोटो बनाना चाहता है पिक्चर बनाना चाहता है तो आप पोस्ट कर रहे हो जैसे आप पिक्चर क्लिक करते हो तो भी आप पोस्ट करते हो माइनर मतलब जो माइंड में काम करता है द नेक्स्ट मॉर्निंग Siu awoke after hour's sleep. अगली सुबह सी जो थी वो एक घंटे तक सो चुकी थी <coughs> और उसके बाद वो जागी शी फाउंड जॉन्सी open ओपन staring at एट covered विंडो उसने देखा जॉन्सी जो है वो उस कवर्ड विंडो की तरफ बड़ी बड़ी आंखें खोल के देख रही थी पुल up द शेड आई want to see. She ordered quietly. सी obeyed. उसने बोला शेड ऊपर करो मुझे देखना है और उसने एक तरीके से उसको ऑर्डर किया था लेकिन जितनी उसकी आवाज़ थी उतने में ही सीओ ने उसकी बात मानी ओबे किया मतलब उसकी बात मानी आफ्टर द बीटिंग रेन एंड विंड दैट ब्लू थ्रू द नाइट आफ्टर द बीटिंग रेन मतलब रात भर बारिश हुई एंड फ्यस विंड मतलब बहुत ही जोर से ख़तरनाक तरीके से हवा चल रही थी दैट ब्ल्यू थ्रू द नाइट जो रात भर चली दे येट स्टूड अगेंस्ट द वॉल वन आई लीव उसके बाद भी जो दीवार थी दीवार की तरफ एक लीफ अभी भी बची हुई थी इट वॉज़ द लास्ट वन ऑन द वाइन और वाइन पे उस क्लाइंबर पे सिर्फ एक ही लीफ बची थी इट वॉज स्टिल डार्क ग्रीन एट सेंटर अभी भी बीच में वो एकदम डार्क ग्रीन थी बट इट्स एजेस वर्क कलर्ड विद येलो लेकिन उसके जो पूरे आउटसाइड था वो पूरा येलो हो चुका था सूख चुका था वो इट हंग ब्रेवली फ्रॉम द ब्रांच अबाउट सेवन मीटर्स अबव द ग्राउंड और वो जो है ब्रांच से ऊपर सात मीटर के करीब ऊपर जो है बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई थी फिर का मतलब बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवनेस के साथ बहुत ही जोर से बहुत ही ज़्यादा ताकत के साथ ब्लू का मतलब क्या होता है उड़ना इट इज़ द लास्ट वन सेट सी आई thought इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट आई heard द wind; इट विल फॉल today, एंड आई shall डाई एट द सेम टाइम Johnson ने कहा ये आखिरी लीफ बची हुई है मुझे लगा ये रात में ही गिर जाएगी मैंने रात भर विंड की आवाज़ सुनी थी बहुत ज़्यादा जोर से था बस अब ये गिर जाएगी उसके साथ साथ मैं भी मर जाऊँगी डियर dear, dear, said Sue, लर्निंग her फेस डाउन down द the थिंक ऑफ मी इफ यू you थिंक ऑफ of yourself. What वुड आई डू उसने कहा सीओ ने उससे कहा डियर मेरी बात सुनो लीनिंग हर होन फेस डाउन मतलब उसका चेहरा बुझा हुआ था तो उसने जॉन्सी की तरफ अपना चेहरा झुकाया और कहा मेरे बारे में सोचो अगर खुद के बारे में नहीं सोचो तो मेरे बारे में सोचो मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी बट जॉन्सी डिड नॉट आंसर लेकिन जॉन्सी ने कुछ जवाब नहीं दिया वॉन का मतलब डैमेज शैबी जैसे जो अपना ख्याल अगर आप नहीं रख रहे हो तो आपका फेस कैसे दिखने लग जाता है वैसा The next morning when it was light, Johnsy demanded that the window shade be raised. अगली सुबह हुई और उसके बाद वापस जो है जैसे ही सुबह हो गई तो Johnsy ने कहा विंडो के शेड को ओपन करने के लिए उसने फिर से ऑर्डर दिया The ivy leaf was still there और वो जो आई वी थी वो अभी भी थी वो अभी भी झड़ी नहीं थी Johnsy lay for the long time looking at it। Johnsy बहुत देर तक लेटी रही उसी की तरफ देखती रही एंड देन शी कॉल उसके बाद उसने स्यू को बुलाया हुआ प्रिपेयरिंग चिकन सूप वो उसके लिए चिकन सूप बना रही थी तो स्यू आई I have been a bad girl," said Johnsy. Something has made that last leaf stay there to show me how bad I was. उसने बोला मैंने बहुत एक बुरी लड़की की तरह काम किया है वो जो last leaf है उसने मुझे सिखाया कि मैं कितना गलत सोच रही थी It is wrong to want to die. ये गलत है मेरा सोचना कि मुझे मर जाना चाहिए ये बहुत ज़्यादा गलत है It is wrong. You may bring me a little soup now. तो मेरे लिए थोड़ा सा सूप लेके आ जाओ मतलब अब उसके अंदर वापस जिंदा रहने की चाहत आ गई थी एन आवर लेटर शी सेड सम डे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स एक थोड़े एक घंटे बाद उसने बोला किसी दिन मैं भी बे ऑफ नेपल्स को पेंट करूंगी इसका मतलब क्या है इसका मतलब है दैट शी अगेन शी अगेन गॉट द जील टू लिव अब वो मरना नहीं चाहती थी लेटर इन द डेट डॉक्टर के व एंड सी यू टॉक टू हिम इन द हॉलवे अगले दिन जो है दोपहर के टाइम डॉक्टर आए और सी यू ने उनसे हॉलवे में बात करी मतलब डाइनिंग रूम में जो एक एंट्रेंस वाला पार्ट है वहाँ बात करी इवन चांसेस सेट द डॉक्टर विथ गुड केयर यू विल विन उसने बोला अब फिफ्टी फिफ्टी चांसेस हैं अभी तक वन परसेंट चांसेस थे अब फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांसेस हैं अगर तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगी तो तुम जीत सकती हो तुम उसे बचा सकती हो एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर केस आई हैव इन योर बिल्डिंग और अब मुझे एक और केस देखना है जो तुम्हारी ही बिल्डिंग में है बहरमेन हिज नेम इज़ सम काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट आई बिलीव उसने बोला कोई बहरमेन नाम का है कोई आर्टिस्ट है शायद आप ही की बिल्डिंग में रहता है निमोनिया टू ही इज़ एन ओल्ड वीक मैन एंड हिस्स केस इज़ सीवियर उसको भी निमोनिया हो गया है लेकिन अब वो ओल्ड है वीक है उनका केस बहुत बिगड़ा हुआ है दर इज नो होप फॉर हेम बट ही गोज़ टू हॉस्पिटल टुडे टू हिज पेन और उनका जो है उनके बचने के कोई चांसेस नहीं है बट ही गोज टू हॉस्पिटल टुडे टू हिज पेन लेकिन वो आज हॉस्पिटल गए थे अपने पेन को थोड़ा कम करने के लिए द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेट टू सू अगले दिन फिर डॉक्टर आए उन्होंने कहा शी इज़ आउट ऑफ डेंजर मतलब जौनसी की अब जान बच जाएगी वो बहुत जल्दी रिकवर कर रही है अब उसकी मतलब तबीयत खराब नहीं है ख़राब है लेकिन अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है यू वन न्यूट्रिशन एंड केयर नाउ दैट्स और उसने बोला तुम जीत गई हो तुमने उसको वापस उसके अंदर जीने की उम्मीद जगा दी है अब बस उसको प्रॉपर खाना चाहिए केयर चाहिए एंड दैट लेटर दैट डे came केम टू द बेड Johnsy lay ले एंड पुट वन आर्म अराउंड उसी दिन शाम को सी जॉनसी के रूम में गई जहाँ वो लेटी हुई थी और उसके ऊपर एक हाथ उसने रख दिया उसके पगल में आई हैव something टू टेल यू वाइट माउस अब वो उसे वाइट माउस कहती थी उसने बोला मेरे को तुम्हें कुछ बताना है शी सेड मिस्टर बैर्मेन डाइड ऑफ निमोनिया today इन द हॉस्पिटल आज मिस्टर बैरमेन जो हैं वो निमोनिया से उनकी जान चली गई है ही इज डेड और आज वो हॉस्पिटल में उन्हें अपना दम तोड़ दिया ही वॉज सिक ओनली टू सिर्फ दो दिन से उनकी तबीयत ख़राब थी दे फाउंड हेम इन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे इन हिस्स रूम डाउन स्टेयर्स हेल्पलेस विथ पेन उन्होंने उन्हें कहाँ जो लोग थे जब उनको हॉस्पिटल लेके गए तब उन्हें कहाँ पाया दे फाउंड हिम इन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे मतलब पहले दिन जब उनकी तबीयत खराब थी जैसे ही तबीयत खराब हुई तब उन्हें कहाँ पाया गया उनके रूम वो ग्राउंड फ्लोर में रहते थे वहाँ पे और वो हेल्पलेस थे पेन में थे बहुत ज़्यादा हि शूज़ एंड क्लोदिंग वर कम्प्लीटली वेट एंड आई कोल्ड उनके जूते उनके पूरे कपड़े बुरी तरीके से गीले हो चुके थे एकदम ठंडे हो चुके थे दे कुड नॉट इमेजिन वेयर ही हैड बीन ऑन सच अ टेरेबल नाइट उस रात को जब इतनी जोर से हवा चल रही थी बारिश हो रही थी तो वो कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतनी ख़तरनाक रात पे वो बाहर क्यों गए थे और कहाँ गए थे टेरेबल मतलब एक्सट्रीमली बैड और सीरियस एंड देन दे फाउंड अ लैंटन स्टिलड फिर उनको एक लैंटर्न मिला जो उस वक्त भी जिसमें रोशनी आ रही थी एंड दे फाउंड अ लैडर देट हैड बीन मूवड फ्राम इट्स प्लेस और उनको एक सी डी मिली लैडर का मतलब होता है सी डी उनको एक सी डी मिली जो उन्होंने उठा के कहीं और रखी थी एंड आर्ट सप्लाईज एंड पेंटिंग बोर्ड विद ग्रीन एंड येलो कलर मिक्स टू इट और उनके पास आर्ट सप्लाईज थे मतलब कुछ कलर्स थे एक पेंटिंग बोर्ड था जिसमें ग्रीन और येल्लो कलर मिक्स था लैंटन का मतलब क्या होता है एक लैंप होता है जिसका ट्रांसपेरेंट केस होता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है या फ्लेम होता है लेडर का मतलब होता है सीढ़ियाँ एंड लुक आउट ऑफ द विंडो डियर उसने कहा बाहर देखो एक बार झाँको एट द लास्ट आई वी लीव ऑन द वॉल उस वॉल पर जो आखिरी लीफ है उसको एक बार ध्यान से देखो डोंट यू वन डर वाइट नेवर मूवड वेन द विंड ब्लू क्या तुमने कभी ये सोचा नहीं कि इतनी जोर से हवा चली लेकिन ये लीफ क्यों मूव नहीं हुई आह डार्लिंग इट्स इज बेरमेन्स मास्टर पीस यही है बहरमेन का मास्टर पीस ही पेंटेड इट दे द नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल जैसे ही वो आखिरी पत्ती गिर गई उन्होंने उस टेरिबल नाइट में जिसमें आईसी कोल्ड विंड चल रही थी और बारिश हो रही थी खड़े होके इसको पेंट किया एंड दैट इज इट वॉट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टोरी मिस्टर बहमिन वॉज एन ओल्ड मैन बट ही न्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ जॉन्सी एक बहुत ही रॉन्ग इम्प्रेशन में थी कि उसको लगा उसने पूरी होप छोड़ दी थी उसको लगा जैसे ही लास्टली फॉल होगी वैसे वो भी मर जाएगी लेकिन मिस्टर बहन को मैन मिस्टर बैमन को पता था कि जॉन्सी को एक्सप्लेन करना इस वक्त सही नहीं है क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है उसने कुछ सोच लिया है और उसका इरादा बदलना मुश्किल होगा तो उन्होंने उसको होप दी कैसे दी उस टेरिबल नाइट में उन्होंने लीव पेंट करी और किसी को ये तक नहीं पता चला कि वो रियल लीफ नहीं थी तो उन्होंने एक लीव पेंट करी जिसकी वजह से जॉन्सी को लगा कि नहीं मरना इज नॉट द ऑप्शन और उसके अंदर जीने की उम्मीद आई लेकिन मिस्टर बहनमेन ही डाइड ही वॉज ओल्ड ही वॉज़ वीक बट ही फाइनली मेड हिज मास्टर पीस और उसको बनाने के बाद उनकी डेथ हो गई ना दिस स्टोरी वाई डू आई लव दिस स्टोरी सो मच बिकॉज इट इज ऑल अबाउट लव इट्स अबाउट पेशेंस इट्स अबाउट गिविंग इट्स अबाउट केयर इट्स अबाउट ऑल द इमोशंस दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी द लास्ट लीफ आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे बताओगे इन द कामेंट सेक्शन अगर ये रीड कर रहे हो तो रीड इट अगेन एंड अगेन इट विल रियली हेल्प यू ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू लव द स्टोरी इफ़ यू डिड मुझे बताना ज़रूर सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे मैगजीन प्रिंस की वेबसाइट पर जहाँ पर पे, होम पेज पे स्पोकन इंग्लिश टैब है और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का टैब आ जाएगा उस पर क्लिक करोगे सारे वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी जो कि बहुत प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है आपको जो भी टॉपिक पढ़ना उस पर क्लिक करोगे एंड दिस इज़ हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट थैंक यू सो मच जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं आप उनको अपने वोकैबलरी नोटबुक में लिखना मिलते हैं बहुत जल्दी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय